हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वाली जो वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस आज की वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इजीली हीरोइक पुश कर सकते हैं, मतलब दो चार दिन में कैसे मतलब हीरोइक तक पुश कर सकते हैं, या फिर हीरोइक के लिए बहुत जो यहाँ पर ट्रॉफी जो है स्कोर बहुत सारा जो इंक्रीज कर सकते हैं कि कैसे बहुत जल्दी में। तो भाई, इसी वीडियो में आज हम इसी टॉपिक के बारे में जो है बात करने वाले हैं एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं। तो भाई, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करा है, तो भाई जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, ठीक है, एंड आप पसंद जरूर वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई, सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं आपको रैंक की स्कोर दिखा दे रहा हूँ एंड जो यहाँ पर मैं जो आपको रैंक एड खेल के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं रैंक एड गेम में। एंड गाइस, इसी वीडियो में आपको गेम प्ले दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है फ्लिपिन आ गया है, इसके बाद मैं आपको गेम प्ले दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके पहले मैं थोड़ा कैंप ही कर रहा था, मतलब थोड़ा मार के नहीं गिर रहा था, क्योंकि हीरोइक के बाद सोच सकते हो कि थोड़ा आपको सर्वाइव करना पड़ता है। एंड मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, कैंपिंग करता हूँ एंड इस तरह से जो है खेल के लास्ट तक अगर एक दो या फिर दो चार किल कर लूँ तो थोड़ा सा जो है अच्छा खासा जो है ट्रॉफी आ जाता है, ठीक है। मतलब अगर डेली मिशन कम्प्लीट ना हो तो अच्छा खासा ट्रॉफी आ जाते हो, उधर से 20 ट्रॉफी एंड आप लोग अगर अच्छे से खेलते हो तो वी आ पाते हो तो 30 समथिंग ट्रॉफी, तो टोटल 50 समथिंग आपको हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 20 या पर 30 एंड आपको 50 समथिंग ट्रॉफी हो जाता है, 40 50 30 या पर समथिंग हो जाता है, ठीक है। तो जो भी हो छोड़ो सब, तो यहाँ पर हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, रैंक पुशिंग के बारे में हम लोग अगर स्टार्टिंग से बात करना शुरू करते हैं तो बहुत कुछ गाइस जो आप सामने आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मन में कि भाई सोलो या फिर डुओ या फिर स्क्वाड क्या खेलना चाहिए। तो मैं भाई आपको सजेस्ट करूँगी सोलो, ठीक है, क्योंकि मैं सोलो खेल के दिखा रहा हूँ। ऐसी कुछ बात नहीं कि अब मैं आपको डुओ स्क्वाड में अच्छे अच्छे बंदे के साथ खेल के मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज्ञान दे रहा हूँ कि भाई सोलो में खेलो, सोलो में बहुत अच्छा रैंक पुश होता है, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी खेल रहा हूँ सोलो, सोलो में आपको डायरेक्ट मैं रैंक मतलब रैंकेड खेल के मैं आपको रैंक रिजल्ट दिखा रहा हूँ, रैंक टोटल सब कुछ मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह आपको सोलो खेलना है, ठीक है। एंड गाइस, गन सिलेक्शन आपको कैसे करनी है, गन सिलेक्शन आपको एक शॉट गन या फिर एक SMG गन रखना है, मतलब SMG रखना है या फिर सब मशीन गन या फिर एक शॉट गन रखना है, मतलब शॉर्ट रेंज के लिए आपको इजीली आप लोग जो है किल कर सकते हो इसके लिए। एंड गाइस, आपको एक अच्छा सा लॉन्ग गन रखना है जिसका आपका लेजेंडरी गन स्किन हो, इस तरह का आपको एक अच्छा लॉन्ग गन रखना है। आप अगर आप लोग स्नाइपर रखते हैं तो AWM भी रख सकते हैं, K98 से अच्छा बहुत अच्छा AWM है, तो AWM के बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, इसलिए AWM बहुत बढ़िया है, ये भी आप लोग रख सकते हैं। एंड गाइस, आप लोग जो है अच्छा सा ऐसा राइफल रख सकते हैं, ठीक है, या फिर लॉन्चर भी रख सकते हैं, तो AWM भी बहुत अच्छा। तो गाइस, इस तरह से जो आपको एक अच्छा खासा गन रखना पड़ेगा, लाइक स्पास 12 और M1014 गाइस मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा हुआ। अगर आप लोग शॉर्ट गन रखना चाहते हैं तो M1014 एंड MP40, मतलब मिड रेंज मिड लॉन्ग रेंज गन के लिए आपको MP40 बहुत ज़्यादा बेस्ट कह सकते हो। तो इधर उधर देख सकते गाइस, छुपा बैठा है, इधर उधर भाग रहा है, इस तरह से गाइस आपको किल मिल जाएगा लास्ट में। आप लोग सोचते हो कि सोलो में बहुत टफ होगा, बहुत माइनस होगा, माइनस तो होगा, अगर आप लोग पहले उतरते टाइम मर जाए तो माइनस होगा। इसलिए गाइस मतलब प्लेस सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, कैसे जगह पर आपको लैंड करना है। तो लैंड करने की बात गाइस बहुत जो है अच्छे तरह से आपको लैंड करना चाहिए, वरना पूरा गेम खराब हो जाएगा, ठीक है। सोलो में यही गाइस मेन पॉइंट है, लैंड करना, ठीक है, और कुछ नहीं। गन सिलेक्शन सब कुछ ठीक है, सोलो में तो खेल ही सकते हैं आप लोग, बट यहाँ पर आपको प्लेसमेंट गाइस बहुत ही अच्छा लेना पड़ेगा, वरना गाइस बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो जाएगी। एक बार माइनस हो जाएगा तो उससे जो है प्लास करने के लिए आपको बहुत सारे मैच खेलना पड़ेगा। इसे देख सकते गाइस, मैंने जोन में जाना थोड़ा सा देर कर दिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मैंने MP40 लाने के लिए थोड़ा सा देरी हो गया। एंड गाइस, इस तरह से जो है मेरे जोन में जाने के टाइम जो है लेट हो गया एंड बुया नहीं हुआ, ग्लू वॉल मारने के टाइम जो है मार दिया, तो इस तरह से डैमेज है बहुत ही ज़्यादा सोप कर रहा था क्योंकि जोन भी खत्म हो रहा था। तो इस तरह से गाइस आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया कि किस तरह से आप खेलना है, ठीक है, सभी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिया। तो गाइस, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है, एंड एक फ्रेंड से शेयर करना, ठीक है, ज़रूर एक फ्रेंड से शेयर करना, ज़्यादा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा चैनल को, ठीक है गाइस, बस और कुछ नहीं। तो अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आए तो ज़रूर यार एक लाइक ठोक देना एंड एक शेयर कर देना चैनल को, एंड अगर चैनल पहली बार आए तो ज़रूर यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं इस तरह से वीडियो जो है और भी लाने की कोशिश करूँगा एंड बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं फ्री फायर के लाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से गाइस मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ सोलो में कितना अच्छा खेल सकते हैं, अपनी रैंक को अच्छे से पुश कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। सो गाइस, होप यू सभी लोगों को वीडियो पसंद आ। तो इस तरह से ख्याल रखना कुछ चीज़ है, ठीक है, मतलब जो गन सिलेक्शन प्लेसमेंट कैसे आपको लैंड करना सोलो में, आप लोग खेलिए बहुत ही अच्छा, ठीक है, इस तरह से खेलना बहुत अच्छा, मतलब आपको अगर
मतलब पुश करना, तो इसी तरह से आप लोग खेल सकते हैं। ज़्यादा टाइम गाइस नहीं लगेगा, ठीक है, आपको रैंक पुश करने में हीरोइक जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हीरोइक के बाद में पुश कर रहा हूँ, देख सकते हैं गाइस, 3300 समथिंग, 3500 समथिंग में पिछले बार पुश किया था, उस तरह मतलब 3500 उस तरह देख सकते हैं इजीली, जो बहुत जो आप लोग स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग अच्छे से ध्यान से खेलेंगे एंड अच्छे से लैंड करेंगे तो बहुत अच्छे आप लोग अच्छे से रैंक पुश कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आई इंस्टाग्राम ट्विटर टिकटॉक से फॉलो नहीं किया, नहीं देखा चैनल को, तो सभी जगह का देख लो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ों का लिंक है, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, फॉलो कर लेना हो सके तो। बस यार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, चैनल पहले और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे ऑल कर देना ताकि आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलेगा गाइस, बाय बाय।